वेलकम बैक दोस्तों, आज की मूवी का नाम है फुलमानिया। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई। आखिरकार क्यों गांव वाले एक लड़की को नंगा करके अपने गांव से बाहर कर दिया? क्यों एक पत्नी अपने पति को दूसरी औरत के पास भेजा? इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना जरूर। फाइनली ये मूवी सोसाइटी के लिए एक बेहतरीन मैसेज छोड़ के जाती है। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है झारखंड के एक छोटे से गांव से। जब सुबह होती है एक लड़की अपनी नींद से जागती है। इसी लड़की का नाम है फुलमानिया। अपनी नींद से जागने के बाद फुलमानिया दौड़ते हुए खुशी के मारे एक नदी के पास जाती है। उस नदी के पास ऑलरेडी इसका एक लंगोटिया यार बैठा होता है। इसका नाम है बतक्कड़, जो फिलहाल मछलियाँ पकड़ते रहता है। फुलमानिया और बतक्कड़ ये दोनों बचपन से ही दोस्त है। ये दोनों एक दूसरे के अलावा किसी दूसरे शख्स से बात नहीं करते। इतना क्लोज होते हैं ये दोनों एक दूसरे से। खैर थोड़ी देर ये दोनों उस नदी में कुछ मछलियाँ पकड़ते हैं। बतक्कड़ उन मछलियों को लेकर अपने घर जाता है। बतक्कड़ के माँ बाप तो नहीं होते, लेकिन इसकी नानी होती है। बतक्कड़ इन मछलियों को अपनी नानी को देकर इसकी रेसिपी बनाने के लिए कहता है। इसकी नानी कहने लगती है कि आज हमारे घर में खाना नहीं पकेगा। क्या तुम नहीं जानते कि आज हमारे गांव में शादी है? वहीं पर हम लोगों को खाने के लिए जाना होगा। उसके बाद गांव के सारे लोग उस शादी में शामिल होते हैं। शादी होने के बाद दुल्हन अपने मायके छोड़कर अपने ससुराल जाने लगती है। अब ये चीज बतक्कड़ को समझ में नहीं आती। घर आकर ये इसी के बारे में सोचते रहता है। जब इसकी नानी बतक्कड़ के पास आती है, बतक्कड़ अपनी नानी से सवाल करने लगता है कि नानी शादी होने के बाद लड़की अपना घर छोड़ के क्यों जाती है? उसकी नानी कहने लगती है, अरे यही तो रिवाज है, ये बरसों से चला आ रहा है। बतक्कड़ पूछने लगता है, क्या फुलमानिया भी शादी होने के बाद यहाँ से चली जाएगी? नानी कहने लगती है, हाँ हर एक लड़की शादी करने के बाद उसके ससुराल जाना पड़ता है। बतक्कड़ कहने लगता है, नहीं नानी, मैं फुलमनिया को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मैं उसको अपने पास ही रखूंगा। नानी कहने लगती है, अरे तुम पहले कुछ कमा लो, तभी तो फुलमनिया तुम्हारे पास आएगी, उसके घर वाले उसको तुमको देकर शादी करेंगे। सो बतक्कड़ इस बात को सीरियस लेकर वो फुलमनिया को बिना बताए शहर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद फुलमनिया को ये बात पता चलती है। वो दौड़ते हुए बतक्कड़ के पास आती है। उस वक्त बतक्कड़ ट्रैक्टर में जाते रहता है। बतक्कड़ बताने लगता है, अरे फुलमनिया तुम यहीं पर रुको, मैं कुछ दिनों बाद वापस आऊंगा और मैं शहर तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और मेरी नानी का भी ख्याल रखना। अब बेचारी फुलमनिया को इसकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आती। सोचने लगती है कि अचानक बतक्कड़ शहर क्यों जा रहा है, वो भी मुझे छोड़कर। खैर शहर जाने के बाद बतक्कड़ अलग अलग काम करते हुए अपना गुजारा करते रहता है, पैसे जमा करते रहता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में फुलमनिया बतक्कड़ को बहुत मिस करती रहती है। उसका मन ही नहीं लगता। जब कभी भी वो नदी के पास जाती, उसको बतक्कड़ ही नजर आते रहता है। खैर इसी दरमियान में लड़के वाले फुलमनिया को देखने के लिए उसके घर आते हैं। फुलमनिया को पसंद भी कर लेते हैं। इस तरफ बतक्कड़ ठान लेता है कि अब ये गांव जाएगा। फुलमनिया को देखे हुए बहुत दिन हो गए। और कुछ दिनों बाद फुलमनिया की शादी की तैयारी होती रहती है। कुछ औरतें फुलमनिया को हल्दी लगाते रहते हैं। तभी एक लड़का आकर फुलमनिया को ये न्यूज़ सुनाता है कि गांव में बतक्कड़ आ चुका है। ये सुनने के बाद फुलमनिया अपनी हल्दी की रस्म भूलकर बतक्कड़ के पास भागने लगती है खुशी के मारे। जब फुलमनिया बतक्कड़ के पास आती है, बतक्कड़ फुलमनिया से पूछने लगता है, ये तुम्हारा हाल क्या बना रखा है, क्या आज होली है? फुलमनिया खुशी के मारे बताने लगती है, अरे बतक्कड़ आज मेरी शादी है। अच्छा हुआ तुम टाइम से गांव वापस आ गए। बतक्कड़ कहने लगता है, शादी तुम्हारी? अरे मैं तुमसे शादी करने वाला था, इसीलिए मैं शहर गया पैसे कमाने के लिए। फुलमनिया कहने लगती है, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तभी वहाँ पर बतक्कड़ की नानी आती है। बतक्कड़ से कहने लगती है, खबरदार अब तुम फुलमनिया के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते, अब उसकी शादी होने वाली है, वो दूसरे घर की अमानत है। सो और कुछ देर बाद फुलमनिया की शादी हो जाती है, उसकी विदाई होती रहती है। बेचारा बतक्कड़ अपने आँखों में आंसू लेकर फुलमनिया की शादी देखते रहता है, उसे अलविदा कहने लगता है। खैर उसके बाद फुलमनिया अपने ससुराल आती है। एक्चुअली फुलमनिया अपना घर अपना गांव छोड़कर कहीं पर भी नहीं गई थी, यह पहली बार किसी दूसरे के घर आई है। अब दूल्हे की फैमिली बहुत बड़ी होती है। सुहागरात के दिन दूल्हे के दो बहनें फुलमनिया के पास आकर बैठ जाते हैं। रात भर उसके साथ गपशप लड़ाते रहते हैं। अब बेचारे उस दूल्हे को स्कोप नहीं मिलता, वो बाहर जाकर सो जाता है, मतलब इन दोनों की सुहागरात नहीं होती। सुबह होने के बाद फुलमनिया अपने हस्बैंड को कैरी देकर उसे काम पर भेजती है मुस्कुराते हुए। दूसरी तरफ जब फुलमनिया के ससुराल वाले खेती में काम कर रहे होते हैं, ये तीनों लोग एक दूसरे में ये डिस्कस करने लगते हैं कि जिस दिन फुलमनिया की शादी हुई उसी दिन इनके घर में एक या दो गाय मर गई, और फुलमनिया का देवर इसको अपशगुन मानने लगता है। लेकिन फुलमनिया के साथ बहुत ही अच्छी होती है। वो अपने बेटे को बताने लगती है, अरे कुछ बीमारी की वजह से मर गए होंगे, इसमें हमारी बहू का क्या कसूर? खरात होने के बाद वो दूल्हा दोबारा फुलमनिया के पास आता है अपनी सुहागरात मनाने के लिए।
लेकिन उस कमरे में फुलमनिया की सास अपने बालों में चंपी करवा रही होती है। सो दूसरी रात भी कुछ नहीं होता। खैर दूसरे दिन इस गांव में एक और दुर्घटना होती है। फुलमनिया का हस्बैंड एक्सीडेंट की वजह से मर जाता है। यह खबर सुनने के बाद बेचारी फुलमनिया शॉक में रह जाती है। मतलब शादी हुए अभी 3 ही दिन हुए थे, इसने अपने हस्बैंड से सीधा से बात भी नहीं किया, इनकी सुहागरात भी नहीं हुई, तभी फुलमनिया विधवा हो जाती है। अब उसी घर में गांव की कुछ औरतें होती है, ये लोग एक दूसरे में ये डिस्कस करने लगती है कि इन सारे हादसों के पीछे फुलमनिया का ही हाथ है। जब से ये लड़की हमारे गांव में आई है कुछ न कुछ बुरा होते आ रहा है। ये लड़की दुल्हन नहीं डायन है, चुड़ैल है। अब उस औरतों की बातें फुलमनिया की सास के कानों में पड़ती है। इसकी सास भी फुलमनिया को नफरत करने लगती है। खैर दूसरे दिन सारे गाँव वाले किसी तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, मतलब इस गांव में जो घटनाएं हो रही है इसके बारे में पूछने के लिए। वो पाखंडी बाबा गांव वालों को और भटकाने लगता है कि इन हादसों के पीछे उस नई दुल्हन का हाथ है। वो नई लड़की एक चुड़ैल है, इस गांव के लिए श्रापित है वो, और थोड़े दिन वो लड़की हमारे गांव में रहेगी तो हमारा गांव बंजर बन जाएगा, सारे मर्द मर जाएंगे। फौरन उस लड़की को हमारे गाँव से बाहर करना होगा। सो उस तांत्रिक बाबा की बातें सुनने के बाद सारे के सारे गाँव वाले फुलमनिया को पत्थरों से मारते हुए गांव से बाहर करने लगते हैं। जब गांव के बॉर्डर के पास आते हैं, वो गांव वाले फुलमनिया के कपड़े निकालकर उसे बहुत मारने पीटने लगते हैं, और बेचारी फुलमनिया उसी नेकड़ हालत में जंगलों में जाने लगती है रोती हुई। खैर और कुछ दिनों बाद बतकड़ फुलमनिया को देखने के लिए उसके ससुराल आता है। वो लोग कहने लगते है कि कौन फुलमनिया, यहाँ पर कोई भी फुलमनिया नहीं रहती, जाओ तुम यहाँ से, वो एक चुड़ैल है, पता नहीं कहाँ पर चली गयी। ऐसा कहते हुए बेचारे बतकड़ को भी वहाँ से भगा देते हैं। दूसरे सीन में एक कपल का इंट्रोडक्शन होता है। बंदे का नाम है जय, बंदी का नाम है प्रीति। इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। ये दोनों शहर में रहते हैं। तभी गांव से जय के माँ बाप जय को कॉल करते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में कुल देवी की पूजा है। जय और प्रीति को गांव बुलाने लगते हैं, और जब कभी भी जय के माँ बाप जय को कॉल करते हैं, ये दोनों यही पूछने लगते हैं कि कब तुम दोनों हम दोनों को खुशखबरी सुनाओगे, कब हम दोनों पोते का मुंह देखेंगे। जय अपने माँ बाप को कुछ न कुछ कहकर इस बात को टालते रहता है। एक्चुअली जय और प्रीति की शादी हुए 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इन दोनों को संतान नहीं। इन दोनों ने डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं, और ऊपर से जय की माँ प्रीति को लानतान करती रहती है कि प्रीति ने अब तक वारिस नहीं दिया, क्या प्रीति बांझ है। इसी बात को लेकर बेचारी प्रीति दुखी होती रहती है। खैर जय का ऋषि नाम का एक फ्रेंड होता है। जय अपने घर की प्रॉब्लम ऋषि को बताता है। ऋषि जय को एक एडवाइस देता है कि ये लोग सरोगेट मदर को हायर करें। काफी सारे लोग इसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं। जय यही बात प्रीति को आके बताता है। प्रीति तो इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन जय इस बात के लिए नहीं राजी होता। प्रीति कहने लगती है चाहे कोक किसी और की हो लेकिन बच्चा हमारा ही तो होगा। बहुत बहस करने के बाद जय भी मान लेता है कि ये दोनों सरोगेट मदर मेथड को फॉलो करेंगे। इस तरफ फुलमनिया के गाँव में हर महीना फुलमनिया के माँ बाप के लिए मनी ऑर्डर आते रहता है। ये मनी ऑर्डर देखकर फुलमनिया के माँ बाप तसल्ली लेते रहते हैं कि फुलमनिया जहाँ पर भी है खुश है, सही सलामत है, और ऊपर से यहाँ पर फुलमनिया की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसके इलाज के लिए बहुत पैसा चाहिए। अब वहीं पर बतकड़ भी होता है। बतकड़ फुलमनिया के माँ बाप से कहने लगता है कि फुलमनिया जहाँ पर भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। इस तरह से कहते हुए बतकड़ दोबारा शहर चला जाता है फुलमनिया को ढूंढने के लिए, उस मनी ऑर्डर के एड्रेस के हिसाब से। इस तरफ शहर में फुलमनिया को दिखाया जाता है जो किसी बड़े घर में काम करती रहती है। फुलमनिया को पता होता है कि फुलमनिया की माँ की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए फुलमनिया महीने में 2 बार अपने मालकिन से पैसे मांगती रहती है। लेकिन इसकी मालकिन फुलमनिया को डांटती रहती है कि पैसे पेड़ पर नहीं लगे, कहाँ से पैसे ला के दूँ तुमको, महीने में 1 बार ही पैसा मिलेगा। तभी उस घर में 2 औरतें आती है, वहाँ के अखबार को पढ़ने लगती है, और इस अखबार में जय और प्रीति की एड होती है। मतलब वो दोनों किसी सरोगेट मदर को ढूंढ रहे हैं। जो कोई भी लड़की इनका बच्चा अपने कोक में रखेगी उस लड़की को 1 लाख रुपए पैसे देंगे। अब ये खबर फुलमनिया सुन लेती है। फुलमनिया को पहले से ही पैसे चाहिए। तभी थोड़ी देर बाद बतकड़ फुलमनिया के घर आता है फुलमनिया को ढूंढते हुए। वो औरत बतकड़ से कहने लगती है कि फुलमनिया अब यहाँ पर नहीं रहती, वो इस घर को छोड़ के भाग गई। मतलब जब तक बतकड़ फुलमनिया के पास आता वो यहाँ से जा चुकी होती है। इस तरफ फुलमनिया उस अखबार को लेकर जय और प्रीति के घर जाती है, कहने लगती है कि मैं ये काम करने के लिए रेडी हूँ। इसे देखने के बाद प्रीति बहुत खुश होती है, फुलमनिया को बहुत ही प्यार से घर के अंदर ले जाती है। खैर तभी दूसरे दिन जय के माँ बाप को ये बात पता चल जाती है कि ये दोनों सरोगेट मदर को रखने वाले हैं। जय के माँ बाप जय के पास आकर इसको बहुत डांटने लगते हैं। जय का फादर कहने लगता है कि हम तुम्हारे माँ बाप है और तुम हमको ही धोखा देने लगे,
आज के बाद से तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम हमारे लिए मर चुके हो। ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो तो एक जय का नाइटमेयर था। मतलब जय ऐसा सोचकर डरने लगता है कि अगर ये बात इसके माँ बाप को पता चलेगी तो इसके माँ बाप किस तरह से रिएक्ट होंगे, क्या उस बच्चे को जय के माँ बाप एक्सेप्ट करेंगे। जय हॉस्पिटल जाने से मना करता है। प्रीति जय से कहने लगती है, चलो हम हॉस्पिटल के जरिए से बच्चा नहीं करेंगे, लेकिन घर में नॉर्मली तो कर सकते हैं। ये बात किसको पता चलेगी, हम तीनों के बीच ही रहेगी ना ये बात। मतलब प्रीति ये चाहती है कि जय फुलमनिया के साथ कांड करे, नेचुरली फुलमनिया माँ बने। ये सुनने के बाद जय शौक में रह जाता है, क्योंकि जय प्रीति से बहुत प्यार करते रहता है। बहुत बहस होने के बाद फाइनली प्रीति जय को मनवा लेती है, और उसी तरह प्रीति फुलमनिया को ज्यादा पैसों का लालच देकर उसे भी मनवा लेती है ये काम करने के लिए। एक दिन रात खुद प्रीति जय को फुलमनिया के पास भेजती है बेडरूम में। उसके बाद जब प्रीति अपने कमरे में आती है तो इसका दिमाग सटक जाता है। ये इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि इसका पति फिलहाल किसी दूसरी लड़की के साथ बेडरूम में है। ये मैंने क्या कर दिया, मैं कैसी पत्नी हूँ। ऐसा सोचकर प्रीति उस कमरे की खिड़की के पास जाती है, और उस वक्त जय फुलमनिया को समझाते रहता है, मतलब उसको हौसला देते रहता है। तभी प्रीति जय को आवाज लगाकर उसे रोक लेती है। सुबह होने के बाद प्रीति जय से लड़ाई झगड़ा करने लगती है कि फुलमनिया सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन है, और कल रात आप उसके साथ प्यार कर रहे थे, इतना प्यार उसके लिए कहाँ से जागा, कभी मुझ पर तो इतना प्यार नहीं आया। जय प्रीति को समझाने लगता है, अरे प्रीति मैं इसको हौसला दे रहा था, फुलमनिया की पहले से ही शादी हो गई थी लेकिन उसकी सुहागरात नहीं हुई, सो इस हिसाब से फुलमनिया वर्जिन ही है, तो मैं बस उसे समझा रहा था और तुम्ही ने मुझे फुलमनिया के पास भेजा। इस तरह बेचारा पतकड़ फुलमनिया की फोटो अपने हाथ में लेकर इधर उधर उसकी तलाश करते रहता है। उसी रात ऋषि जय के घर आता है, प्रीति को समझाने लगता है कि बस एक रात की तो बात है, और वैसे भी जय आपसे ही प्यार करता है प्रीति। सो फाइनली प्रीति समझ जाती है। अब जोरदार बारिश होने की वजह से जय ऋषि को अपने घर में ही रुकने के लिए कहता है। उस रात दोबारा प्रीति जय को फुलमनिया के पास भेजती है बेडरूम में, लेकिन दोबारा प्रीति को ये बात हजम नहीं होती। इसको अजीब अजीब से नाइटमेयर्स आने लगते हैं। प्रीति दोबारा उस कमरे की खिड़की के पास जाती है, जहाँ पर प्रीति ये देखती है कि जय और फुलमनिया ये दोनों कांड कर रहे हैं। ये देखकर प्रीति इस बात को और बर्दाश्त नहीं कर पाती। प्रीति ठान लेती है कि ये सुसाइड कर लेगी, क्योंकि प्रीति बांझ है जय अपनी जिंदगी में खुश रहे। लेकिन तभी ऋषि आकर प्रीति को टेरेस के ऊपर से नीचे उतार लेता है, उसे बचा लेता है। प्रीति को उसके कमरे में लाकर दोबारा उसे समझाने लगता है। इसी बातों ही बातों में एक जबरदस्त बिजली कड़कती है। अब फिल्मों में बिजली कड़की तो दुर्घटना घटी। उस बिजली की कड़क से प्रीति फौरन ऋषि से जाके चिपक जाती है, इन दोनों में आग लग जाती है। प्रीति और ऋषि के बीच भी दुर्घटना घट जाती है। हर सुबह होने के बाद प्रीति को अपनी गलती का एहसास होता है कि इसने ये क्या कर दिया। ये बहुत रोने लगती है। तभी प्रीति के पास जय आता है, लेकिन प्रीति कल रात का हादसा जय को नहीं बताती। खैर जैसे जैसे दिन बीतते रहते हैं, ये दोनों फुलमनिया का बहुत ख्याल करते रहते हैं। एक दिन फुलमनिया अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। टेस्ट करने के बाद ये बात पता चलती है कि फुलमनिया माँ बनने वाली है। यही खुशखबरी जय अपनी वाइफ प्रीति को आगे बताता है। इसी बातों के दरमियान प्रीति को भी चक्कर आने लगते हैं, बेहोश हो जाती है। जय प्रीति को भी हॉस्पिटल ले जाता है, और टेस्ट के दौरान ये बात पता चलती है कि प्रीति भी माँ बनने वाली है इसकी जात का। अब हॉस्पिटल में ऋषि भी होता है। ऋषि को अच्छी तरह से पता होता है कि प्रीति किसकी बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन ऋषि भी अपने फ्रेंड जय को कुछ भी नहीं बताता। उसी वक्त जय के माँ बाप जय को कॉल करते हैं। जय ये खुशखबरी अपने माँ बाप को सुनाता है कि प्रीति माँ बनने वाली है। खैर जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, जय प्रीति और फुलमनिया का बहुत अच्छा ख्याल करते रहता है। और कुछ दिनों बाद फाइनली फुलमनिया और प्रीति को एक ही साथ पेन स्टार्ट होते हैं। जय इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाता है। सिस्टर जय को कुछ दवाइयाँ लाने के लिए कहती है, और यहाँ पर इत्तेफाक की बात यह है कि जय दवाइयाँ लेने के लिए जिस ऑटो में गया वो ऑटो बतक्कड़ का होता है, बतक्कड़ के पास छुट्टा नहीं होता। जय से कहने लगता है कि रहने दीजिए साहब, जब कभी मुलाकात होगी तब दे देना मुझे। खैर थोड़ी देर बाद नर्स बाहर आकर जय को ये खुशखबरी सुनाती है कि आपको बेटा हुआ। जय फौरन अपने माँ बाप को कॉल करके यही खुशखबरी सुनाता है। दोबारा नर्स बाहर आकर जय को ये न्यूज़ सुनाती है कि लड़की पैदा हुई। अब वहीं पर ऋषि भी होता है। नर्स से पूछने लगता है कि किसको बेटा हुआ किसको बेटी। तो यहाँ पर फुलमनिया को बेटा होता है और प्रीति को बेटी। खैर जो भी हो, जय इन दोनों को अपने घर लाता है। खैर इसी दरमियान में जब एक दिन जय अपने घर जा रहा होता है, रास्ते में इसको बतक्कड़ नजर आता है, लेकिन इस बार भी बतक्कड़ जय से पैसे नहीं लेता। जय बतक्कड़ को कहने लगता है कि पास में मेरा घर है, वो देखो, कभी टाइम मिले तो मेरे घर आ जाना। अब जब से फुलमनिया माँ बनी है, फुलमनिया का बर्ताव भी बदल जाता है।
थोड़े सेकंड के लिए भी वो अपने बच्चे को दूर नहीं कर रही होती। अब जय के माँ बाप को क्या चाहिए पोता? प्रीति जय के पास आकर यही कहने लगती है कि हम बच्चा बदल लेंगे। अगर आपके माँ बाप को ये बात पता चली कि उनको पोता नहीं बल्कि पोती हुई, तो वो तो मुझ पर नाराज हो जाएंगे। जय कहने लगता है, अरे बेटा हो या बेटी हो, वो भी तो मेरा बच्चा है, ये भी तो मेरी बच्ची है। प्रीति कहने लगती है, नहीं ये आपकी बच्ची नहीं है, फुलमनिया के पास जो बच्चा है वही आपका खून है, ये बच्ची आपका खून नहीं है। इस रास्ते कहते हुए प्रीति जो सच है वो जय को बताती है। अब इन दोनों की बातें फुलमनिया सुन लेती है कि ये दोनों फुलमनिया का बच्चा हड़पने वाले है, सो फुलमनिया अपने बच्चे को लेकर भाग जाती है। तभी रास्ते में फुलमनिया को बतखड़ नजर आता है। फुलमनिया रोते हुए बतखड़ से कहने लगती है, बतखड़ मुझे यहाँ से ले चलो, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। बतखड़ कहने लगता है, अरे फुलमनिया डरो मत, मैं तुमको एक सांप के पास ले जाता हूँ, वहाँ पर सेफ है। ऐसा कहते हुए बतखड़ फुलमनिया को दोबारा जय के घर लाता है। और उस वक्त ऑलरेडी जय के घर में जय के माँ बाप आ चुके होते हैं अपने पोते को देखने के लिए। प्रीति फुलमनिया के पास बच्चे को देखकर वो बच्चा अपने पास खींच लेती है, कहने लगती है, मेरा बच्चा मुझे दे दो। लेकिन फुलमनिया भी यही कहने लगती है, ये मेरा बच्चा है, आपका नहीं, आपकी तो बच्ची है। जय का फादर फुलमनिया से पूछने लगता है, अगर ये तुम्हारा बच्चा है तो इसका बाप कौन है? जब फुलमनिया चुपचाप हो जाती है, बतखड़ जय के फादर से कहने लगता है कि ये मेरा बच्चा है। यह सुनने के बाद जय का फादर उस बच्चे को फुलमनिया के हाथ में थमा देता है। उसके बाद जय का फादर उस बच्ची को अपनी गोदी में लेकर जय से पूछने लगता है कि इस बच्ची का बाप कौन है। जय कहने लगता है, बाबा हम हैं इस बच्ची के बाप, आपको पोती हुई है। इस तरह से कहते हुए जय अपने माँ बाप को जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बताने लगता है। और उसी तरह जय अपने माँ बाप पर ब्लेम करने लगता है कि ये लोग किस कारणों की वजह से इस कदम को उठाया। शादी हुई नहीं तभी से बहू पर टॉर्चर करना शुरू कि कब पोते का मुंह दिखाओगे। सो बहुत लंबी डिस्कशन के बाद जय के माँ बाप की आँखें खुल जाती है। जय के माँ बाप हंसी खुशी उस बच्ची को अपना लेते हैं। उसके बाद जब फुलमनिया अपने बच्चे को लेकर अपने गांव जाती है, उस वक्त उस गांव वाले उस पाखंडी बाबा उसके चेहरे को पत्थरों से मार पीट के गांव से बाहर करते रहते हैं। फुलमनिया अपने बच्चे को देखकर कहने लगती है, देखा मुन्ना तुम्हारे कदम पड़ने की देरी इस गांव से अंधविश्वास उड़ गया, लोगों में जागृति आ गई। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।